हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहां पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो आज का है, यानी कि 11/7/2024 का। दोस्तों आप डिस्प्ले पे देख सकते हो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके दो रिजल्ट जारी हो चुके हैं और ये ऑफिशियल रिजल्ट आपके सामने, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कौन से विषयों का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है और साथ ही दोस्तों उनकी क्या कट ऑफ यहाँ पर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर जो जियोलॉजी है उसका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। और दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सफल घोषित हुए हैं, उनके जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। लगभग दोस्तों जियोलॉजी में 18 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इन कैंडिडेट को क्या करना होगा, दोस्तों इनको इस साइट से अपना एक डाउनलोड करना है फॉर्म और उसको भर के, और जो आरपीएससी है उसको 25/7/2024 तक शाम को 6 बजे तक भिजवाना है और फिर बाद में इनको इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। दोस्तों इसकी कट ऑफ की बात करते हैं जियोलॉजी की, तो दोस्तों जो जियोलॉजी की जो कट ऑफ है वो आपके सामने यहाँ पर है। एससी की जो जनरल की कैटेगरी की है वो दोस्तों 114.14 है, यानी कि दोस्तों एससी में जो जनरल कैंडिडेट है यानी कि मेल, यहाँ पर फीमेल की नहीं है, केवल मेल की है, तो 114.14 पे गई है। और एसटी में जो जनरल यानी कि मेल की है वो 79.33 पे गई है। ओबीसी में जनरल यानी कि मेल की 142.23 पे गई है। और एमबीसी में जनरल यानी कि मेल की 46.83 पे गई है। और ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर जनरल यानी कि मेल की 96.24 पे कट ऑफ गई है। दोस्तों ये जो कट ऑफ है वो 200 नंबरों में से हैं, यानी कि तीनों पेपरों के मिलाकर के। और दोस्तों यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ है इसका मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, जनरल का मतलब यहाँ पर इन कैटेगरियों का जो मेल कैटेगरी है उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है और फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर कोई पोस्ट का रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। दोस्तों आपने देख लिया है कि जो जियोलॉजी है उसमें कितना कट ऑफ रहा है इंटरव्यू के लिए, और दोस्तों देख सकते हो कि इनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम गया है, केवल ओबीसी का और एससी का कट ऑफ ही यहाँ पर ज़्यादा गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर एक कैंडिडेट को जो है इस परीक्षा से बाहर कर दिया है, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसने जो 10% से अधिक जो गोले हैं वो खाली छोड़ दिए थे और पाँचवा विकल्प नहीं भरा था इस कैंडिडेट ने, इसलिए इसको जो है वो एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पंजाबी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, और दोस्तों पंजाबी में लगभग 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सफल किया गया है। इन कैंडिडेट को भी क्या करना है दोस्तों, इनको भी इस साइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भरना है और 25/7/2024 तक शाम को आरपीएससी के कार्यालय तक अपना जो डॉक्यूमेंट्स है भर के फॉर्म के साथ में वो भिजवाना है, फिर बाद में इनका इंटरव्यू होगा। और दोस्तों इसकी कट ऑफ की बात करते हैं पंजाबी की, तो दोस्तों इसमें जनरल की जो कैटेगरी है उसमें जनरल यानी कि मेल का 127.06 पर इसका मेरिट रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 3 ही कैंडिडेट है इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा रहा है। इसमें दोस्तों पीएच की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 55.79 भी इसका कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों ये जियोलॉजी का और पंजाबी का आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। इनमें थोड़ा सा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा अलग गया है, यानी कि एक दो पोस्टों में यहाँ पर ज़्यादा रहा है कट ऑफ, बाकी में काफ़ी कम कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों आगे आने वाले जितने भी रिजल्ट होंगे उनमें भी उम्मीद है कि काफ़ी कम जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाएं।